हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पेपर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 6 रुपए 25 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 1.5% के करीबन गिरावट देखने को मिली है। तो 1 महीने में 2.5%, 3 महीने में 9% और 6 महीने में 6% के करीबन गिरावट देखने को मिल रही है। परंतु अगर हम 1 साल में देखें तो 8% की तेजी देखने को मिली, और 2 साल में 175% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है, पर शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6 महीने से एक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 451 रुपीज। 451 रुपीज के इस स्टॉक में डबल टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर 2 बार स्टॉक ने इस प्राइस को टच करने के बाद ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक का देखिए तो नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 349 रुपीज। 349 रुपीज स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज बनती हुई नजर आ रही है 450 रुपीज। 450 रुपीज स्टॉक में ऊपर पर एक रुकावट रेंज है, जहां से इस स्टॉक में 2 बार एक गिरावट देखने को मिली है सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 350 रुपीज के एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 450 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि देखें तो इस स्टॉक में एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहेगा, और इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट 450 रुपीज के बाद ही देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक और बड़ी रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।